गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोग पार्ट टू मुक्ति नाम का पाठ जो पढ़ रहे थे उसमें हमने कल आपको यहाँ तक बताने का काम किया था कि चिड़िया जो है अब वह लेखक के घर में सेट कर गई है और लेखक के परिवार के भी बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सब लोग उसको अनमने भाव से ही लेकिन स्वीकार कर चुके हैं। अब आगे देखिए इस पाठ में जो बाबा जी हैं लेखक के पिताजी, बाबा जी आप किससे बात कर रहे थे, पत्नी की हंसी थम चुकी थी पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या, यूँ किससे जवाब सवाल कर रहे थे, चिड़िया से बात कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ, चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है, इसने क्या किया बाबा जी। बेटा यह बहुत शैतान है, मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी पर इसने मेरे किताबों पर ही बीट कर दी, मैंने गुस्सा किया तो कहती है मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी डर गए ऐसा कह चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा, दोनों की शैतानी दूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। लेखक के पिताजी जो थे वह चिड़िया की हरकतों से परेशान होकर के अजीज होकर के निश्चिंत हो गए थे, लेकिन लेखक की जो छोटी बच्ची थी वह यह समझ रही थी कि बाबा जी जो हैं वह चिड़िया से डर गए और इस पर वह खुशी भी जाहिर कर रही थी, ताली पीट पीट करके कह रही थी कि बाबा अब आप चिड़िया से डर गए। और लेखक जो हैं इन सारी दृश्यों को देख करके इन सारी बातों को सुन करके यही महसूस कर रहे थे कि लेखक चिंकी और चिड़िया दोनों को ही शैतानी दूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। दोनों की शैतानी जो थी वह बहुत ही प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था, मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था, स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है, मेरे प्रश्न से पूर्व ही में पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी, चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया, कुछ देखा। तभी लेखक की पत्नी आती हैं और उनके कंधे पर हाथ रख करके कुछ उदासी और चिंतित स्वर में उनसे कुछ इशारा करती हैं, जिस पर लेखक भी उनकी बातों को सुन करके पूर्व से ही मैं पास वाली खिड़की से बाहर देखने लगी थी, मैं चिंतित होकर पास जाकर खड़ा हो गया। अपने घर की खुली खिड़की से वे दोनों लोग बाहर की ओर देखने लगे। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखानी चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, बोला क्या बात है। इस पर पत्नी ने बताया कि वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बार बार देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था, शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। आप लोग मिलाइएगा, जिन घरों में कांच के खिड़कियां लगी हुई रहती हैं उस पर गौर कीजिएगा तो आप लोग को भी ये सीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो माजरा अलग है, जिसके कारण चिड़िया चोंच मार रही है शीशे पर और अथक प्रयास कर रही है कि चोंच मार करके और हम खिड़की के अंदर प्रवेश कर जाएं। लेकिन कभी कदाल क्या होता है, जैसे कि हम खुद अपने घर में महसूस किए हैं, सुबह सुबह दो चिड़िया आती हैं, अंदर
से उन लोगों को ये फील होता है अपना चित्र देख करके शीशे में कि उस साइड भी दो चिड़िया बैठी हुई हैं, और न जाने उन लोगों के मन में क्या भाव आता है, बुलाती हैं या फिर उनसे मिलना चाहती हैं। उनको लगता है कि अंदर भी हम ही लोग के जैसा दो चिड़िया बैठी हुई है, और पर डे जब तक हम लोग टोकते रोकते नहीं हैं तब तक कांच पर टक 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 मारते रहेगी सब, और हम लोग खुद भी परेशान रहते हैं। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, वैसे आप लोग भी अपने गांव घर मोहल्ले में देखिएगा, जिनके यहाँ कांच की खिड़की होगी उस पर चिड़िया आकर के जरूर बैठती है और चोंच से वार करती है, कारण अलग अलग रहता है, आप लोग फील कीजिएगा, देखने का काम कीजिएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो चिड़िया है बारंबार असरानी जी की घर की खिड़की में बारंबार चोंच मार रही है, यहाँ माजरा कुछ दूसरा है। पूरे पाठ के अनुसार असरानी जी जो हैं 15 दिनों के लिए अपने घर की सारी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके बाहर चले गए हैं, और गलती से भूलवश चिड़िया का बच्चा घर के कमरे के अंदर रह जाता है, और इसी क्रम में चिड़िया और चिड़ा दोनों अपने बच्चे को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, कांच पर सैकड़ों वार कर रहे हैं जिससे कि ये कांच का खिड़की टूट जाए और उन लोगों का बच्चा उन्हें मिल जाए। तो देखिए, बच्चा जानवर का हो, मनुष्य का हो, किसी पशु का हो, सबको बहुत प्यारा होता है। आप लोग मिलाते होंगे कि जब कोई चिड़िया या कोई जानवर, खास करके कुत्ता हो, चिड़िया हो, घर में अंडा देती है, कुत्ता बच्चा देता है, कुतिया बच्ची देती है, बच्चा देती है, तो वह अपने आस पास किसी को फटकने तक नहीं देती है कुछ दिनों तक। और यही आलम घर में अगर गाय रखे हैं, गाय भी बच्चा देती है, तो आप लोग मिलाते होंगे, गांव पर जाते होंगे तो, कि वह अपने पास किसी को फटकने नहीं देती है और वह अपने बच्चे को सेफ रखना चाहती है। उसे भी लगता है कि हमारे बच्चे के पास कोई अनजान व्यक्ति या कोई फटके नहीं। ठीक इसी क्रम में उसका तो बच्चा ही कमरे के अंदर बंद है। अब लेखक की पत्नी ने वही इशारा से उनको दिखाया जो कि इस पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं, कि देखिए ऐसा ऐसा माजरा है। जैसे ही लेखक को ये चीज समझ में आती है, लेखक करुणा और दया के भाव से भर जाते हैं, दुखित मन से वह बहुत अपने आप को संभालने का भी काम करते हैं कि राम रामी तो बहुत गलत हो गया, असरानी जी 15 दिनों के लिए घर बंद करके चले गए, अब दूसरे का घर खिड़की दरवाजा बंद है, बहुत असमंजस में लेखक पड़ गए। और इधर पाठ के अनुसार चिड़िया बारंबार आकर के कांच के शीशे पर अपने नाजुक चोंच से वार करती है, उसके बाद चिड़ा आता है, चिड़ा भी नाजुक चोंच से वार करता है, लेकिन उस कांच का शीशा टूटता नहीं है, और वे दोनों अपने बच्चे की चाहत में पागल हुए जा रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे हम लोग अपने बच्चे को कमरे से बाहर निकाल लें। इधर लेखक और लेखिका दोनों ही जन बहुत ही दुखी और मायूस भाव में इस दृश्य को देख करके बहुत दुखित और उदास होते जा रहे हैं, और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। और निरंतर इन दोनों चिड़िया और चिड़िया का ये प्रयास जो है जारी रहता है, यहाँ तक कि अब चोंच से मारते मारते शीशा पर, पाठ में आप लोग विधिवत पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी, चोंच मारते मारते अब चोंच में भी थोड़ा सा घाव जैसा होने लगा, क्योंकि शरीर के किसी अंग को बारंबार कहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़रूर है कि उसमें कहीं ना कहीं खरोंच लगेगा, चोट पहुँचेगा, और वह घायल टाइप की होने लगी चिड़िया और चिड़ा दोनों। इसके बाद इस वाक्य को लेखक और लेखिका ही नहीं, उनकी बच्ची बच्चा
और यहाँ तक कि उनके पिताजी भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं, और देखने के बाद में पूरा का पूरा परिवार उदास हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, दुखी हो जाता है कि क्या किया जाए क्या नहीं। अंत में देखिए कि चिड़िया और चिड़िया दोनों ही थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई लगातार चोंच मारने का काम कर रही है। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा अंदर से टुकुर टुकुर देखता है, कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती, उसे धीरज बंधाने का काम करती कि घबराओ नहीं हम लोग हैं उपाय में लगे हुए हैं, और फिर कांच पर प्रहार करती। इस प्रकार से बाहर जो चिड़ा है वह भी घबराया हुआ है, अपना प्रयास करते करते लगभग परास्त सा हो चुका है, उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला, उसे भरोसा दिलाना चाहता है कि वह हिम्मत ना हारे, वह जरूर सफल होगा। कभी भी जब हम लोग मुश्किलों से घिरते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिम्मत और अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और लगातार सामना करते रहना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, पढ़ाई से लेकर के बहुत लंबा चौड़ा जीवन होता है, उसमें कहीं भी अगर आप समस्याओं से घिर जाएं तो आप अपना हिम्मत और विवेक दोनों ही धैर्य से काम लेते हुए अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए। जैसा कि इस पाठ में अपने बच्चे को पाने के लिए चिड़िया और चिड़ा, एक साधारण जीव जंतु जिसके पास हम लोग जितना ब्रेन नहीं है, लगातार प्रयासरत है, तो इसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में आई समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार और अथक प्रयासरत रहना चाहिए। लेखक को लगा कि चिड़िया मर जाएगी, कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा, इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूँगा। मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई, ची 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 की आवाज़ निकालने लगी, और वह कहने लगी कि अभी भी गुस्सा हो, बचाओगे नहीं, बोलो बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ कि चलो छत पर। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा कि तोड़ दो खिड़की का कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। कभी हम लोगों को अकारण और किसी भी समस्या से ग्रसित लोगों की सेवा करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ गलत निर्णय भी लेने पड़ते हैं। यहाँ पे लेखक का वो विचार नहीं है कि हम दूसरे के छत का, दूसरे की खिड़की का कांच फोड़ें, लेकिन यहाँ दो तीन जान की बाजी लगी हुई है, चिड़िया चिड़ा और उसके बच्चे का सवाल है, और लेखक जो है वो करुणा से, दयालुता से और चिड़ा चिड़िया की दुख को समझते हुए बहुत ही दुखी हैं। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया और अपने बच्चे से कहा कि जयदीप जाओ एक पत्थर लाओ, और पत्थर ला करके उस कांच की खिड़की को तोड़ो। जैसे ही एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था, कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा, वह फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़िया भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था।
अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची ची ची, अच्छा किया अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। जैसे ही उनके पुत्र जयदीप ने कांच की खिड़की पर पत्थर से वार किया, पत्थर के वार से वो खिड़की टूट जाती है। चिड़िया और चिड़ा विस्मय होकर के कि आवाज़ होने के कारण विस्मय भरी नज़रों से ताकते हैं और आकाश का एक चक्कर लगा करके पुनः लौटते हैं और अपने बच्चे को पा करके बेहद खुश होते हैं। उसके चोंच में चोंच मिला करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुशी होते हैं और फिर फुर से उड़ जाते हैं आकाश में स्वच्छंद वातावरण में। अपने बच्चे को लेकर के चिड़िया खुशी से उड़ जाती है। और उसके बाद लेखक को उसी समय मुक्ति के लिए संघर्ष, बंधनों से मुक्ति के लिए संघर्ष, अपने किसी प्रियजन को पाने के लिए किया गया संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, आज़ादी की हवाएं, खाना न मिले दिन भर काम चल जाएगा लेकिन बंधन में रहिएगा काम नहीं चलेगा, ये हम नहीं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर पाठ में तो समझाया ही जा रहा है। मुक्ति का आकाश और क्या और कैसा होता है, लेखक को उसी दिन उसका अनुभव भी हुआ और वह बहुत खुश हुए। और जब अंदर वापस अपने कमरे में आए तो उनके कमरे में जो चिड़िया थी वह चिड़िया भी खुशी से ची 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 करके उन्हें अच्छा किया कहकर धन्यवाद दे रही थी। और लेखक को भी ऐसा एहसास हुआ कि इस ची 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 में मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। पाठ तो बच्चों यहाँ पर समाप्त हुआ लेकिन फिर दो लाइन आप लोगों को आगे मैं इसमें से संबंधित चीज़ों को बता दे रहा हूँ। मुक्ति नामक पाठ में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चार बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है लेखक के द्वारा। एक, किसी भी प्रकार की बंधनों से आज़ादी, और अगर आप बंधन में फंस जाते हैं तो कैसे उस समस्या का सामना करते हैं बिना घबराए हुए अपने अथक परिश्रम से। और जब आपको मुक्ति मिलती है तब आप कैसा महसूस करते हैं और कितना आपको आनंद आता है, यही इस पाठ में समझना है। थैंक यू।